हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे पास यूट्यूब से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ है, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं यूट्यूब न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ एक इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ से। ये इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अलग है। इस पर अभी तक 10 मिलियन पोस्ट की गई है, 0 फॉलोवर्स है। इस अकाउंट ने 131 लोगों को फॉलो किया है। मेरे हिसाब से अभी तक सबसे ज्यादा पोस्ट किए जाने वाला अकाउंट है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली न्यूज़ बादशाह की तरफ से। बादशाह हाल ही में आपकी अदालत में गए थे। वहाँ पर एक लड़की बादशाह से पूछती है, शाहरुख खान ने आपके लिए क्या किया है। इस पर बादशाह कुछ रिप्लाई देते हुए ये कहते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा फैन हूँ, और बहुत सारे लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ करी। उन्होंने मेरे कुछ काम कहा था, उनकी एक टीम है, उसके लिए गाना बनाने को कहा था, तो मैंने वो गाना बना के उनको दिया। तो फिर उनकी वो पूजा मैम जो उनकी मैनेजर हैं, वो पूछते कि भाई पैसे वैसे। मैं क्या, मैं तो धनी हो गया, मतलब मैंने मेरे को मौका मिला सर के लिए काम कर। कहते नहीं तो पागल है बता। मैंने कहा तो मुझे ना प्ले स्टेशन चाहिए, नया प्ले स्टेशन आया था, प्ले स्टेशन 5। तो कहते हाँ पक्का। मैं कहा हाँ। मैं कहा लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। तो कहते मतलब, मैंने कहा वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ और मुझे वो चाहिए, और सबसे पहले चाहिए इंडिया में। तो मेरे पास अब फ़ोन आएगा तो मेरे पास एक हफ्ते में सर का मैसेज आया, फोटो के साथ प्ले स्टेशन पड़ा था, तेरा सामान घर पे आया पड़ा है, कहाँ भिजवाना है। तो सबसे पहला तो प्ले स्टेशन इंडिया में आया था वो शाहरुख सर ने मुझे, और मैं इतना बेवकूफ़, इतना मूर्ख, मैंने सर के साइन भी नहीं कराया उस पर। तो वो बट वो उन्होंने अगले तारक मेहता शो की तरफ से। इस शो को बायकॉट किया जा रहा है फैंस की तरफ से। इसके पीछे का रीजन ये है कि शो के प्रीव्यू में बताया जा रहा था, जेठालाल अपने बेटे को बता रहे थे दया वापस आने वाली है, लेकिन जब एपिसोड आया तो दया बहन नहीं दिखाई दी। इस पर फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए क्योंकि उन्हें झूठी होप दिलाई जा रही थी। अगले ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। ट्रिगर्ड इंसान की पूरी फैमिली एनिमल मूवी देखने गई थी। इस पर एक लड़का पूछता है, अपनी फैमिली के साथ 18+ मूवी कैसे देख लिया। इस पर रिएक्ट करते हुए वो कुछ ये कहते हैं, मम्मी कोई पूछ रहा है कि आप 18+ मूवी पेरेंट्स के साथ कैसे देखने चले गए। पेरेंट्स और बच्चे फ्रेंड्स ही होते हैं। देखा सुना, और वैसे भी मतलब ये कुछ ऐसी चीजें, वैसे इसमें ऐसा कुछ था। हाँ वैसे इस मूवी में ऐसा कुछ था ही नहीं, बट मम्मी की बात सही है, दोस्त हैं हम, बड़े हो चुके हैं अब हम यार, तो ऐसा ब्लड गोर वाली मूवीज तो देख ही सकते हैं मम्मी पापा के साथ ना। अगली न्यूज मोहम्मद शमी की तरफ से। मोहम्मद शमी की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उनका एक फैन गले में हाथ डालकर मोहम्मद शमी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। इस पर मोहम्मद शमी काफी गुस्सा हो जाते हैं। इस वीडियो के कमेंट में कई सारे लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं और कई सारे लोगों ने हेट दे रहे हैं। मैं आपको कुछ कमेंट पढ़कर बताता हूं। कुछ नोटिस किया आपने शमी ने फैंस को कैसे हटाया, गौर से देखो। कहते हैं ना कि जब आदमी बड़ा इंसान हो जाता है तो उसे घमंड हो जाता है। देखो बंदा फोटो खिंचाने गया तो उसे थप्पड़ बता रहा है। अगर ऐसे पकड़ेगा तो उनके मिलने वाले वहां एक दो नहीं है, बहुत है, ऐसे कहां तक मिलेंगे, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा था। अब कोई गर्दन पकड़ेगा तो गुस्सा ही आएगा ना। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली मनोज दे की तरफ से। मनोज दे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बात करते शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो के बारे में। सोशल मीडिया का रूल है, जो चल रहा है वही करो, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। टाइम के साथ खुद को चेंज करो। व्लॉग वाले चैनल पर जब लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ, 130,000 व्यू, 125, 141, 90,000 में रुका हुआ है, 78K में रुका हुआ है, ठीक। और अब जब से मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किया, अब देखो व्यूज, मतलब यूट्यूब अब क्या बोलिएगा बताइए, 337, 160, 334, 500K, देख रहे हो, 192, 158, 300, ये तो कल डाला था, ये भी कल डाला, 138, ये आज डाला अभी जस्ट। शॉर्ट्स में इतना भर भर के व्यूज आ रहा है, क्या ही बताएं। और आप लोग बोल रहे हैं ये सब वीडियो क्यों बना रहे हैं, यही बस यही रीजन से बना रहे हैं, यूट्यूब खुद चाह रहा है कि ऐसा ही वीडियो बनाइए, यही चल ही रहा है आज के डेट में, ठीक है। तो जो देखना चाहता है, सोशल मीडिया का रूल है, ऑडियंस जो देखना चाहता है वही दिखाओ, जो चल रहा है उसी के साथ चलो, अदरवाइज आप बहुत पीछे छूट जाओगे। देख रहे हो ना, ऐसे ही चल रहा है भाई, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, कुछ नहीं होना है, हंसाओ लोगों को, देखिए व्यूज। अगले राउंड 12 के वसीम की तरफ से। वसीम इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड करते हैं जिसमें लिखा होता है, कुछ लोगों को मुझे लेकर बहुत गलत फहमियां हैं, पर कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्द दूर होंगी। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला किसके बारे में कहा गया है, अगर मुझे पता चलता है तो मैं अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा। अगले अंकित बायपुरिया की तरफ से। अंकित बायपुरिया को एक आदमी चैलेंज देता है कुश्ती का, कहता है अंकित बायपुरिया को मैट पर लड़ना है तो मैट पर लड़ूंगा, मिट्टी में लड़ना है तो मैं मिट्टी में लड़ूंगा। अरे अंकित भैया प्रिया, तेरी कहता कुश्ती करनी है भाई, अगर अंकित तू मैट का था तो मैट पर आ जा भाई, ये स्पेशल मैट है, छत्तीसगढ़ का मैट है, तू मैट पे अच्छा मान लेना अपने आप में कुश्ती में, तो मैट पा जा भाई, अगर मिट्टी में कुश्ती करना चाहो तो मिट्टी का अखाड़ा भाई। और भाई ये मत कह देना मैट पे कुश्ती करने के बाद, हारने के बाद ये मत कह देना कि मैं मिट्टी का अच्छा था, फिर बाद में मिट्टी में भी कर लेंगे भाई। अगले मैक्सटन की तरफ से। मैक्सटन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया गूगल उसे रिस्पेक्टेड गेमर बता रहा है। इस पर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन कुछ ये कहते हैं, गूगल पे अपना नाम सर्च किया और इसके हिसाब से मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड गेमर हूँ गाइस, चलो कहीं से तो इज्जत मिल रही है ना यार, बाकी सब तो बेइज्जत करते हैं बस। अगले जट प्रभजोत की तरफ से। जट प्रभजोत अपने आज के व्लॉग में बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी व्यूज आजकल डाउन है। बैठे बैठे मैं यूट्यूब देख रहा था और अपनी आदत है, यूट्यूबर की आदत होती है
वो ना अपने साथ साथ सबके चैनल देखता है कि हाँ भाई उसके कितने व्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे चैनल देख रहा हूँ, मतलब जिनको हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, सबके चैनल डाउन चल रहे हैं, मतलब सबका डाउनफॉल चल रहा है। भले ही वो ट्रैवल व्लॉगर हो, भले ही वो मोटो व्लॉगर हो, भले ही वो घर की वीडियो बनाता हो, कुछ भी बनाता हो। एक चीज और बताऊं, जब भी किसी का चैनल डाउन जाता है ना, किसी डेली व्लॉगर का, तो वो रोज धीरे धीरे करके मरता है। मरता है मींस कि यार आज फिर से 50,000 व्यूज डाउन हो गए, आज 1,00,000 डाउन हो गए, ये चीज मैंने देखी है। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। हालांकि मेरे व्यूज डाउन नहीं गए, मेरा एकदम परफेक्ट चल रहा है और मेरे को टेंशन भी नहीं है। भगवान ने जो करना है वो करना है, ये चीज दिमाग में बिठा ली ना, जो उसने करना है वो करना है, उसमें ना तुम कुछ बदल सकते हो ना कोई भी कुछ बदल सकता है। अगली इस लड़की की तरफ से, आपने इस लड़की को कहीं भी डांस करते हुए देखा होगा, पब्लिक प्लेस में, ट्रेन में, स्टेशन पर। इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है, रानू मंडल की लड़की है। अगली क्रिकेटर रिचर्ड्स की तरफ से, ईस्टर्न कैरेबियन में $2 की नोट पर रिचर्ड्स सर की फोटो होगी, आप इस फोटो में देख सकते हो। अगली सीआईडी के फ्रेडिक्स की तरफ से, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूं, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगली तारक मेहता शो की तरफ से, इस शो को बायकॉट किया जा रहा है फैंस की तरफ से। इसके पीछे का रीजन ये है कि शो के प्रीव्यू में बताया जा रहा था, जेठालाल अपने बेटे को बता रहे थे दया वापस आने वाली है, लेकिन जब एपिसोड आया तो दया बहन नहीं दिखाई दी। इस पर फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए क्योंकि उन्हें झूठी होप दिलाई जा रही थी। अगली पुनीत सुपरस्टार की तरफ से, पुनीत सुपरस्टार की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो जाते हैं डेट पर, आप इस वीडियो में देख सकते हो। मस्त लग रहे हो। आज के लिए इतनी ही न्यूज़। अगर आपको वीडियो थोड़ा सी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।